चलो आज गिल्ली डंडा खेलते हैं दोस्तों। गिल्ली डंडा बाद में खेलेंगे, पहले चल के चाट खाते हैं। क्या चिंटू, गिल्ली डंडा खेलते हैं ना? सुबह सुबह चाट खाने से दिन अच्छा बीतता है। खेलना नहीं आता इसीलिए ऐसे बात कर रहे हो। चलो मैं खेल के दिखाता हूँ, ऐसा शॉट मारूंगा कि गिल्ली ही खो जाएगी, फिर तो चाट खाने चलोगे ना। आज बॉस को वीर के पूरे दिन भर की रिपोर्टिंग करूँगा, देखता हूँ वीर दिन भर क्या क्या करता है। अकड़म पगड़म आलम फालम इकड़म तिकड़म दम दमादम। सॉरी, गलती हो गई। तुम लोग पार्टी करो, मैं चला। ये तो जादूगर है, जादूगर है वो। इसमें गाजर तो नहीं? ये क्या तरीका है मेरे सामने आने का? बॉस बॉस, वीर का जादू दोस्त है। नहीं नहीं नहीं, जादू का वीर दोस्त है। क्या बक रहे हो? बॉस बॉस, वीर जादू, जादू वीर, दोस्त जादू, नहीं दोस्त वीर। बंद करो ये उलझुल बातें। एक मिनट बॉस, एक मिनट, एक मिनट, मैं सांस ले लूं। हाँ अब ठीक है। बॉस, वीर का दोस्त चिंटू जादूगर है। वो गायब हो जाता है फिर वापस आ जाता है, जादू से कुछ भी कर देता है वो बॉस। इसीलिए आज तक हम वीर को नहीं हरा पाए हैं बॉस। अगर ये सच है तो जाओ उस दोस्त की कमजोरी पता करो। एक बार वो दोस्त हमारे कब्जे में आ गया तो हम वीर को आसानी से खत्म कर देंगे। या! उसकी कमजोरी चाट है बॉस, वो चाट के लिए कुछ भी कर सकता है। या! मेरे तेज दिमाग में उससे भी तेज आइडिया जन्म ले रहा है। I'm madly, madly genius. You're genius, boss. Ugly, madly genius. Meow. She is right, boss. She is right. लेकिन ये एडली मेडली क्या है बॉस? ये एडली मेडली क्या है? हे बच्चों, आओ आओ, आ जाओ, खूब सस्ती चाट खाओ। और ध्यान से सुनो, अगर कोई रोबो बॉय का दोस्त है तो उसे फ्री चाट मिलेगी, फ्री चाट। आओ जल्दी आओ। मैं हूँ रोबो बॉय का दोस्त, मेरा नाम झिंटू है, वो मेरा पक्का दोस्त है। तुम रोबो बॉय के दोस्त हो? सच? तुम कितने लकी हो झिंटू। चलो झिंटू बाबा को खूब चाट खिलाओ, जल्दी जल्दी। सुना है रोबो बॉय के पास हर तरह की फाइट के लिए अलग अलग 7 तरह के सूट है, और लोग कहते हैं वो चाहे तो 7 रूप में एक साथ भी आ सकता है। मेरा दोस्त 7 अलग अलग सूट में भी आ सकता है, वो है ना, वो कुछ भी कर सकता है। ओह, अगर तुम उसे यहाँ कुछ देर के लिए एक साथ 7 रूप में बुला दो तो मैं तुम्हें जिंदगी भर मुफ्त चाट खिलाऊंगा। मैं उसका बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं 7ों के साथ फोटो खिंचवाऊंगा, उन्हें चाट खिलाऊंगा। प्लीज 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 अपने दोस्त को बुला लो। कुछ देर की ही बात है, मैं जादू से वीर के 7 क्लोन्स बना देता हूँ और यहाँ बुला लेता हूँ, ये भी खुश हो जाएगा और मुझे जिंदगी भर मुफ्त में चाट भी खिलाएगा। इसकी चाट कितनी टेस्टी है। दरअसल वो 7ों रूप में यहाँ आने ही वाला है, उसने मुझसे यहाँ मिलने को कहा था, देखो वो आता ही होगा। अगड़म बगड़म आलम फालम इकड़म तिकड़म दम दमादम। वीर के क्लोन्स अलग अलग 7 सूट में एक साथ पेड़ के पीछे से निकल के यहाँ आ जाए। ओह नो, नो, ओह, आई एम ग्लैड, वेरी वेरी ग्लैड। जिंटू बाबा, जिंदगी भर तुम यहाँ फ्री चाट खाओ
और मैं इनके साथ कुछ तस्वीरें खिंचवा लूं। अच्छा लो चाट खाओ, चाट बहुत टेस्टी है। चिंटू बाबा, ये तो मेरी बात मान नहीं रहे, इनसे कहो मेरी हर बात माने, कुछ देर की ही तो बात है, मैं जो कहूं वो ये करें, प्लीज प्लीज प्लीज। मेरे दोस्तों, इनकी सब बात मानो, ये जो कहे वो करो। ओके, जैसा तो तुम कहो। तुम सब मेरे साथ आओ, हम फोटो सेशन करेंगे। जिंटू बाबा, तुम चाट खाओ, हम आते हैं। तुम सब मेरी हर बात मानोगे? हम सब आपकी हर बात मानेंगे। गुड, अब सुनो, ये हमारा दुश्मन है, इसने तुम्हारा भेस लिया हुआ है और सबको तंग करता है, तुम्हें इसे खत्म करना है। इसे खत्म करना है। शो मी द एंगर। गुस्सा जिसे देख के ही वो डर जाए। वो बहरूपिया है, तुम जैसे किसी के भी रूप में आ सकता है। ये एम का लोगो तुम्हें एक दूसरे को पहचानने में मदद करेगा। जाओ और फुर्सतगंज में इसे ढूंढ के खत्म कर दो। सात रूप वो भी एक साथ? ओह, सात सात रूपों बॉय, मैं तो सबके ऑटोग्राफ लूंगा। एक ऑटोग्राफ प्लीज, एक ऑटोग्राफ। अरे मुझे भी चाहिए ऑटोग्राफ। इंग्लिश फिल्मर भागो, ये मेरे लिए ही आए हैं। रोबो बॉय सूट ऑन। रोबो बॉय सूट ऑन। चिलबुल, तुम चिंटू को ढूंढो, मैं दादाजी के पास जाती हूँ। समझ नहीं आ रहा, वीर के सात रूप एक साथ कैसे आ सकते हैं? वीर को छोड़ दो और उस कार को हवा में उठा लो, वीर उनकी जान बचाने के लिए खुद ब खुद आ जाएगा। कहाँ हो वीर, सामने आओ। देखो ये लोग कितना रो रहे हैं। तुम लोग अपने रोबो बॉय को बुलाओ, देखें आज वो आता है कि नहीं। वो जरूर आएगा, उसका अंत यहाँ उसका इंतजार कर रहा है। आज वो तुम्हें बचाने नहीं आएगा। रोबो बॉय जरूर आएगा, देखना वो आएगा। प्लीज हमें छोड़ दीजिए, माफ कीजिए, प्लीज हमें यहाँ से जाने दीजिए। रोबो बॉय जरूर आएगा माँ, विश्वास रखो। बस बहुत हो गया रोबो बॉय, मैं तीन तक गिनूंगा, तुम बाहर नहीं आए तो ये कार छोड़ दी जाएगी। एक दो। प्लीज प्लीज हमें छोड़ दीजिए, प्लीज। पापा, इसके सामने प्लीड मत करो, हैव फेथ, रोबो बॉय जरूर आएगा। रोबो बॉय, आखिरी मौका है, दो गिन चुका हूँ और बाकी है तीन। रुक
जाओ, उनको छोड़ दो। तुम्हारी लड़ाई मुझसे है, उनसे नहीं। नहीं वीर, नहीं। ये रोबोबॉय। बच्चों, तुम लोग सही कह रहे थे। रोबोबॉय आ तो गया है, लेकिन अब जाएगा नहीं। मेरे दोस्तों, इस बार बचने ना पाए। जल्दी वहां से निकल जाओ। टिम्बक्टू, अब वीर का बचना मुश्किल है। वो इसलिए हर बार मेरे रोबोट से जीत जाता है क्योंकि उसके पास अलग अलग सिचुएशन में लड़ने के लिए अलग अलग सूट्स हैं, अलग अलग हथियार हैं, जिन्हें वो सिर्फ कमांड करके निकल लेता है। लेकिन जब आवाज ही नहीं होगी तो कमांड कैसे करेगा है? लेकिन बॉस, उसकी आवाज जाएगी कहाँ? ये देखो, ये मेरा थ्रोट जैमिंग डिवाइस है। ये उड़ती हुई जाएगी और वीर के गले में जाके उसका गला जैम कर देगी। फिर वो किसी तरह की कमांड नहीं दे पाएगा और एक साधारण रोबोट की तरह रह जाएगा। फिर मेरा मैग्नेटो जाके उसको खत्म कर देगा। बॉस लाइए, मैं देखता हूँ ये काम करता है या नहीं। बॉस, बॉस, वाह वाह, क्या बात है बॉस, आपका थ्रोट तो जैम हो गया है। बॉस, बॉस, समझ गया बॉस, समझ गया। आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही कूद कूद के मारूंगा तो आपके गले से वो रोबोट भी निकल जाएगी। निकल गई बॉस, थ्रोट जैमिंग डिवाइस निकल गई बॉस। तुमने मुझे थप्पड़ मारा, मेरे ऊपर कूद कूद के मुझे पीटा। I'm mad, very very mad। बॉस, आपने जो कहा वही तो मैंने किया बॉस। वीर, ये लो, ये केक मैंने तुम्हारे लिए बनाया है, इसे खाकर खेलने जाओ। इमली को भी खिलाना। थैंक यू दादाजी, आप मेरा कितना ख्याल रखते हैं। काश दादाजी मेरा भी उतना ही ख्याल रखते। तुम्हारे लिए केक और मेरे लिए क्या? तुम्हारे लिए ये है। ओह थैंक यू दादाजी, आप हम सबका कितना ख्याल रखते हैं। यू आर द बेस्ट दादाजी इन द वर्ल्ड। हाय इमली। हाय। ये लो, दादाजी ने केक बनाया है। चलो गार्डन में बैठ के खाते हैं।
किसी भी गैजेट को कमांड नहीं दे सकता। अब क्या करूं? नॉर्मल पावर से ही काम चलाना होगा। थैंक यू वीर। ये केक से नहीं हुआ है, ये मैड मैक्स ने सोच समझकर किया है। पहले किसी डिवाइस से वीर का गला जाम किया ताकि वीर अपने गैजेट्स को कमांड न दे सके, और फिर अपने रोबोट को भेज दिया। अब क्या होगा दादाजी? चलो उसके गले में एक थ्रोट क्लीनिंग डिवाइस डालनी होगी, वो ठीक हो जाएगा। वीर ऐसे कैसे जंप कर रहा है? इतनी लंबी जंप करना किसी लड़के के लिए पॉसिबल नहीं है। पापा पापा, मैं कहता था ना, वीर रोबोट है, रोबो बॉय भी वीर ही है, लेकिन मेरी बात कोई नहीं मानता था। अब खुद ही देख लीजिए। वीर, मैं अभी इसे दुलट्टी मार के ठीक करता हूँ। मोल मत लो, वो तुम पर भी लेजर से अटैक करेगा। दादाजी, मेरे पास एक आइडिया है। वीर, आई एम जीनियस, सुपर डुपर जीनियस। देखा तुमने, मैंने कैसा मजबूर कर दिया। भेजा है, तुम्हारी आवाज वापस आ जाएगी। थैंक्स इमली। रोबो बॉय सूट ऑन। रोबो बॉय सूट ऑन। We'll be right back.
साथ तो कभी फोटो खींचते नहीं, वीर के साथ खिंचवा रहे हैं। जिंटू, इन सब ने मुझे रोबो बॉय के रूप में देख लिया है। इन सबको और पूरे फुर्सतगंज को भुला दो जो भी उन्होंने देखा है। वीर, किससे बात कर रहे हो और कौन क्या भुला रहा है? कुछ नहीं अंकल। वीर, मैं खींचता हूँ, मैं प्रोफेशनल फोटोग्राफर हूँ। ये कहाँ से आ गया? अभी तक तो नहीं था। स्माइल प्लीज और सब भूल जाओ प्लीज। हम यहाँ वीर के बगल में ऐसे क्यों खड़े हैं? हम लोग एक साथ फोटो खिंचवा रहे थे अंकल। अभी मैं बिजी हूँ वीर, फिर किसी दिन। फोटो? और वो भी तुम्हारे साथ? नो वे। मैंने कुछ मिस किया क्या? तुमने बहुत कुछ मिस किया। चलो बताता हूँ। कोई मुझे नीचे उतारो प्लीज।